बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 175 और हम कर रहे हैं चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो हम थे एक्सरसाइज 12.1 पे। एक्सरसाइज 12.1 आपकी एनसीईआरटी, उसके क्वेश्चन 3 पे थे हम लोग। सो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 है, ये जो है ये है पेज 197 पे, आपकी एनसीईआरटी के पेज 197 पे है। क्वेश्चन 3 का 3 क्या बोल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो थर्ड नंबर 1/2 -2 +1/3 -2 +1/4 -2। अब देखो क्या करना है, ये देखो ये एक रेशनल फॉर्म में है, मतलब अपॉन पी अपॉन क्यू फॉर्म में है और पावर है नेगेटिव। सो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपली रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है? 1/2 -2, सो 2/1 2, 1/3 3/1 2, 4/1 2, ठीक है? इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है? 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, ठीक है? सो 1/2 -2, 1/3 -2 +1/4, सो कैसे हुआ? 2/1 2 +3/1 2, 4, मतलब क्या कैसे किया? देखो मैं फिर से बताती हूँ, अगर p अपॉन q रेस टू माइनस n है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? q अपॉन p रेस टू n। नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव कैसे किया? इनवर्स करके, ठीक है? अब यहां देखो सब 1 1 1 है, सो यहां देखो 4/1 तो 4 ही हुआ, 9/1 तो 9 ही हुआ, 16/1 भी 16 हुआ। सो 16 + 4 20, 20 + 9 29, सो थर्ड नंबर का आंसर है 29। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर इज 3 इनवर्स + 4 इनवर्स + 5 इनवर्स रेज टू 0, ठीक है? तो देखो इसका इनवर्स प्लस इसका इनवर्स प्लस इसका इनवर्स रेज टू 0। सो देखो कोई भी एनीथिंग रेज टू 0 आंसर क्या होता है? 1। किसी भी रेज का 0 करो, एनीथिंग रेज टू 0 आंसर क्या होगा? 1। जैसे ए रेज टू 0 1, ठीक है? सो देखो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होगा? 1, ठीक है? सो इन सब का रेस कोई भी, मैंने मतलब रूल ही था ना, एनीथिंग रेस टू 0 1। सो इन सब को सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं है ना, एनीथिंग रेस टू 0 1, ठीक है? अच्छा फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ है -2/3 रेस टू -2 ब्रैकेट क्लोज 2, कुछ ऐसा सम है ये, -2/3 रेस टू -2 कर्ली ब्रैकेट 2। अच्छा अब कैसे करेंगे? सो देखो बहुत सारे अभी तक हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं। सो देखो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पावर को इस पावर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। सो -2/3 -2 मल्टीप्लाई 2, इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो -2/3 2 2 जा 4 -4। अच्छा अब रूल क्या है? रूल है कि पावर नेगेटिव हो और पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करना चाहिए? रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल करेंगे, सो 3/-2 रेस टू 4 हो गया ना पावर पॉजिटिव, मतलब रेसिप्रोकल नंबर को क्या कर देना चाहिए? रेसिप्रोकल, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो पावर हो गया पॉजिटिव। अच्छा अब क्या करेंगे? अब सिंपली इसको भी पावर दो, इसको भी पावर दो। सो 3 रेस टू 4/-2 रेस टू 4, ठीक है? इसको भी पावर दिया, इसको भी पावर दिया। सो अब क्या करेंगे? 3 रेस टू 4 क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81।
अपॉन माइनस टू का फोर, तो माइनस टू रेस टू फोर क्या होगा, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, सो 81 अपॉन 16 इज द आंसर। कैसे, 3 रेस टू 4 क्या होता है, 3 3 3 3, माइनस 2 रेस टू 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस। बच्चों अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल थ्री। उस दिन मैंने एग्जाम्पल थ्री मतलब पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल फाइव, एग्जाम्पल सिक्स, एग्जाम्पल सेवन सब बाकी रखे थे। सो पहले वो सारे करा के फिर मैं एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। सो हम करते हैं एग्जाम्पल थ्री, पेज नंबर 196 पे। सो पेज 196 एग्जाम्पल थ्री। सो एग्जाम्पल थ्री क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल थ्री बोल रहा है एक्सप्रेस फोर एस टू माइनस थ्री एज अ पावर विद द बेस टू। क्या बोल रहा है कि फोर एस टू माइनस थ्री को बेस टू की तरफ से एक्सप्रेस करो, ठीक है। फोर एस टू माइनस थ्री का बेस टू होना चाहिए। बेस टू का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ टू होना चाहिए, मतलब ये फोर एस टू माइनस थ्री है, ऐसा जादू करो, कुछ ऐसा करो कि ये फोर की जगह क्या हो जाए, टू हो जाए। कैसे, ये जादू कैसे होगा। सो ये जादू कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। सिंपली आपको पता होगा कि फोर को आप क्या कर सकते हो, फोर को कैसे लिख सकते हो। सो फोर को टू का स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो फोर को टू का स्क्वायर। सो फोर की जगह क्या लिख दोगे आप, टू का स्क्वायर। सो टू का स्क्वायर लिखेंगे, फोर की जगह क्या लिखेंगे, टू का स्क्वायर माइनस थ्री। फोर की जगह टू का स्क्वायर लिखा और माइनस थ्री का माइनस थ्री। अब क्या करेंगे, सिंपली पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो टू रेस टू टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री। ये फॉर्मूला है, ये मतलब लॉ है, रूल है कि भाई पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो टू टू थ्री जा सिक्स, प्लस माइनस माइनस, सो टू रेस टू माइनस सिक्स। सो टू रेस टू माइनस सिक्स क्या होगा, ये पावर नेगेटिव है, सो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, वन अपॉन टू रेस टू सिक्स, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका आंसर है। इसने बोला है कि बेस टू के तौर पे लाओ आंसर, सो आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने बेस टू के तौर पे बोला है, सो आप यहीं एंड कर देना, ठीक है। अगर पावर पॉजिटिव बनानी है कर सकते हो, पर इसने कहा बेस टू, ठीक है, सो हम यहीं एंड करते हैं। सो दिस इज योर एग्जाम्पल थ्री। अब देखते हैं एग्जाम्पल फोर। एग्जाम्पल फोर में बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट टू रेस टू फाइव डिवाइड टू रेस टू एट फाइव मल्टीप्लाई टू रेस टू माइनस फाइव, ठीक है। सो टू रेस टू फाइव डिवाइड टू रेस टू एट फाइव मल्टीप्लाई टू रेस टू माइनस फाइव, ठीक है। टू रेस टू फाइव डिवाइड टू रेस टू एट फाइव मल्टीप्लाई टू रेस टू माइनस फाइव। सो अब डिवाइड है, सो डिवाइड है, सो टू रेस टू फाइव अपॉन टू रेस टू एट, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है। सो रेस टू फाइव मल्टीप्लाई टू रेस टू माइनस फाइव। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पावर इसको भी दोगे पावर, अच्छा या तो इससे पहले ये डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, सो माइनस कर दो। सो टू रेस टू फाइव, याद है आपको रूल, ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एन, सो सॉरी ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, सो ए रेस टू एम माइनस एन, पावर क्या होगा, माइनस फाइव माइनस एट, सो फाइव माइनस एट।
क्या करा, डिवाइड था तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस। सो 5 माइनस 8 पावर क्या है, 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू माइनस 5। सो इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए, 6 7 8 3 बचे, सो 2 रेज टू माइनस 3, 6 7 8 सो माइनस 3। ठीक है, सो 2 3 5 15 माइनस प्लस माइनस, तो 2 रेज टू माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 रेज टू माइनस 5। सो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन है तो प्लस, सो 2 रेज टू माइनस 15 प्लस माइनस 5, 2 रेज टू प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 5 20, 2 रेज टू माइनस 20, 2 रेज टू माइनस 20। ठीक है, कैसे करेंगे फिर से देखो, डिवाइड है तो क्या होगा, माइनस होगा, 5 माइनस 8 होगा, सो प्लस माइनस 8 में से 5 के 6 7 8 3 बचे, 5 है पावर में मल्टीप्लाई 2 रेज टू माइनस 5 है, सो 3 5 जा 15 माइनस प्लस माइनस, तो 2 रेज टू माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 रेज टू माइनस 5 मल्टीप्लाई मतलब प्लस होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 15 माइनस 5 सो माइनस माइनस प्लस, सो 15 प्लस 5 20 माइनस 20। अगर इसको पॉजिटिव करना है तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन 2 रेज टू 20, सो आप इसको पॉजिटिव लिख देना, 1 अपॉन 2 रेज टू 20। सो अब देखते हैं सेकेंड नंबर, सो सेकेंड देखते हैं, माइनस 4 रेज टू माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 रेज टू माइनस 3। सो इसका कैसे करेंगे, सो क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। सो किस तरह से लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर, सिंपली देखो, इसका भी माइनस 3, इसका भी माइनस 3, इसका भी, सबका पावर सेम है, सो सबका पावर सेम है, ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इज इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, सो ये देखो माइनस 4 5 माइनस 5 कैसे करोगे, 4 5 जा 20, 20 5 जा 100 माइनस माइनस प्लस, सो 100 रेज टू माइनस 3। ठीक है, 100 रेज टू माइनस 3, सो अब क्या करेंगे, 100 रेज टू माइनस 3 है प्लस, मतलब पॉजिटिव कैसे करोगे पावर, सो रेसिप्रोकल 1 अपॉन 100 रेज टू 3। ठीक है, सो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, अच्छा अब थर्ड नंबर देखते हैं, सो थर्ड नंबर है 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू माइनस 3। ठीक है, सो किस तरह से होगा, सिंपली देखो यहाँ पे भी पावर में ही करना है हमें, यहाँ देखो मतलब इसने क्वेश्चन में ही ऐसे बोला, सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट का मतलब पावर के फॉर्म में आंसर होना चाहिए, सॉल्व नहीं करो। तो यहाँ हमने क्या किया भाई, ये सबके पावर सेम थे तो एक रूल है, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बी रेस टू एम, तो क्या होता है ए मल्टीप्लाई बी रेस टू एम, सो इस तरह से इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो अब थर्ड नंबर देखो, 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 रेस टू माइनस 3, सो अब यहाँ देखो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 रेस टू माइनस 3। ठीक है, सो 2 रेस टू 3 है, सो 2 रेस टू 3 को कैसे लिखोगे, पावर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सो 2 रेस टू माइनस 3। ठीक है, पावर पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, सो मल्टीप्लाई 3 रेस टू माइनस 3। ठीक है, सो अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, प्लस, सो माइनस 3 प्लस माइनस 3।
ठीक है, 2 raise to 3 है, 2 raise to -3, ठीक है। ऑब्वियसली 8 को 2 cube, क्योंकि इन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर ला, तो एक्सपोनेंशियल में तो पावर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। सो 2 raise to -3 multiply 3 raise to -3, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? अच्छा, यहाँ कैसे प्लस करेंगे? नहीं कर सकते ना प्लस, क्योंकि ये तो बेस डिफरेंट है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हो। सो क्या करोगे? तो देखो इसका पावर सेम है, सो क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई। सो 2 multiply 3 raise to -3, सो 2 3 जा 6 raise to -3। पावर को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल, 1/6 raise to 3, ठीक है। सो ये हुआ आपका थर्ड नंबर। अच्छा अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर, सो फोर्थ नंबर कैसे लिखेंगे? -3 raise to 4 multiply 5/3 raise to 4, ठीक है। सो इसको भी पावर में ही आंसर लाना है। सो देखो पावर इसको भी दो, इसको भी दो। सो -3 raise to 4 multiply 5 raise to 4/3 raise to 4। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो -3 raise to 4 है मतलब पावर इवन है, देखो -3 raise to 4 है, ठीक है, और 3 raise to 4 है। सो पावर अगर इवन है और ये नेगेटिव है, देखो -3 raise to 4, सो -3 multiply -3 multiply -3 multiply -3, 4 बारी। सो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो पावर मतलब ये माइनस की साइन गायब ही हो जाएगी, 3 raise to 4 हो जाएगा। -3 raise to 4 क्या हो जाएगा? 3 raise to 4, ठीक है। सो मतलब साइन क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। कैसे? मैंने आपको दिखाया ना, तो कभी भी पावर इवन हो और यहाँ बेस नेगेटिव हो तो आप इसको डायरेक्ट पॉजिटिव लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 raise to 4 multiply 5 raise to 4/3 raise to 4। सो क्या करूँगी? 3 raise to 4 काट दूंगी, ठीक है। सो क्या रहा? 5 raise to 4। अच्छा अभी फिफ्थ नंबर देखते हैं। अच्छा ये फोर्थ नंबर लास्ट था, फिफ्थ नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोलता है? आपको m फाइंड करना है, -3 raise to m plus 1 multiply -3 raise to 5 is equal to -3 raise to 7, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है? m। सो कैसे फाइंड करोगे आप? सो सिंपली देखो मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस। मल्टीप्लाई है सो देखो मल्टीप्लाई तो पावर हो जाएगा प्लस। सो -3 raise to m plus 1 plus 5 is equal to -3 raise to 7, ठीक है। सो देयरफॉर -3, 1 plus 5 क्या होगा? 6। सो अब देखो -3 raise to m plus 6 is equal to -3 raise to 7। सो यहाँ देखो बेस सेम है, सो बेस सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? कैंसिल, बेस हो जाएगा कैंसिल। सो क्या रहेगा यहाँ पे? सो देयरफॉर m plus 6 is equal to 7। सो देयरफॉर m is equal to 7 minus 6। सो देयरफॉर m is equal to 1, ठीक है। कैसे किया फिर से देखो, 1 plus 5 6 है, सो -3 minus 3 कैंसिल, सो m plus 6 7, 6 उधर ले जाएंगे तो माइनस, सो m is equal to 1। सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 5, ठीक है। सो अब देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
टू अपॉन थ्री रेज टू माइनस टू। सो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आंसर? सो देखो टू अपॉन थ्री रेज टू माइनस टू है, तो सबसे पहले पावर नेगेटिव है, इसको क्या करना है पॉजिटिव। सो कैसे करोगे पॉजिटिव? थ्री अपॉन टू रेज टू टू। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। सो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सो थ्री का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर, ठीक है। सो थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री जा नाइन, टू का स्क्वायर टू, टू जा फोर, ठीक है। सो थ्री थ्री जा नाइन, टू टू जा फोर। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल सिक्स, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेवन। एग्जाम्पल सेवन है सिंप्लीफाई। सो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? सो देखो फर्स्ट नंबर, वन अपॉन थ्री रेज टू माइनस टू माइनस वन अपॉन टू रेज टू माइनस थ्री डिवाइड वन अपॉन फोर रेज टू माइनस टू, ठीक है। वन अपॉन थ्री रेज टू माइनस टू माइनस वन अपॉन टू रेज टू माइनस थ्री डिवाइड वन अपॉन फोर रेज टू माइनस टू। सो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई का मतलब, इसको सुलझाओ, कैसे सुलझाओगे? सो देखो ये देखो वन अपॉन, पहले तो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे देख रहे हैं तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। सो देखो सबसे पहले पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर लो, इतना तो समझ आ रहा है। सो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल। सो थ्री रेज टू टू, माइनस वन अपॉन टू रेज टू माइनस थ्री है तो क्या होगा? टू रेज टू थ्री, ठीक है। पावर खाली पॉजिटिव तो कर लें, डिवाइड सेम यहाँ पे वन अपॉन फोर है सो फोर रेज टू टू, ये क्या किया? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते तो पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। वन अपॉन थ्री का थ्री अपॉन वन, वन अपॉन टू का टू अपॉन वन, अपॉन में वन हो तो कोई सेंस नहीं है। सो थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री जा नाइन, टू का क्यूब टू, टू जा फोर, टू जा एट, डिवाइड फोर, फोर जा सिक्सटीन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, नाइन माइनस एट वन, सो वन डिवाइड सिक्सटीन, सो वन अपॉन सिक्सटीन, सो वन अपॉन सिक्सटीन इज द फाइनल आंसर। थ्री का स्क्वायर क्या हो जाता है? थ्री, थ्री जा नाइन, टू का क्यूब टू, टू जा फोर, फोर टू जा एट, फोर का स्क्वायर फोर, फोर जा सिक्सटीन। सो डिवाइड का मतलब क्या होता है? अपॉन। सो करेक्ट आंसर है वन अपॉन सिक्सटीन, वन डिवाइड सिक्सटीन मतलब वन अपॉन सिक्सटीन। सो ये था आपका कुछ एग्जाम्पल। देखने में देखो कैसी घबराहट हो रही थी, ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था, पर जब सॉल्व किया तो सब सही था, ठीक है। सो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है फाइव अपॉन एट रेज टू माइनस सेवन मल्टीप्लाई एट अपॉन फाइव रेज टू माइनस फाइव, ठीक है। सो कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो फाइव अपॉन रेज एट रेज टू माइनस सेवन है तो पावर को क्या कर देंगे? पॉजिटिव। सो एट अपॉन फाइव रेज टू सेवन, एट अपॉन फाइव रेज टू माइनस फाइव है सो इसको ऐसे ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बेस सेम है ना तो मेरा रूल लग जाएगा, बेस सेम है ना तो आराम से रूल लगा दूंगी। तो देखो मैंने फाइव अपॉन एट को रेसिप्रोकल कर दिया सो पावर पॉजिटिव हो गई और इसको सेम ही रखा। अब देखो मेरा बेस सेम हो गया ना, ए रेज टू एम मल्टीप्लाई ए रेज टू एन, सो पावर क्या हो जाएगा? प्लस। सो एट अपॉन फाइव रेज टू सेवन मल्टीप्लाई मतलब प्लस माइनस फाइव, ठीक है। सो एट अपॉन फाइव सेवन प्लस माइनस माइनस फाइव, ठीक है। सो एट अपॉन फाइव सेवन माइनस फाइव टू, ठीक है। सो एट स्क्वायर अपॉन फाइव स्क्वायर, ठीक है। सो एट एट जा सिक्सटी फोर, फाइव का स्क्वायर फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ठीक है। सो सिक्सटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव,
ठीक है, 8 का स्क्वायर 8 जा 64, 5 जा 25, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड नंबर। अभी हम लोग फिर से हमारी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो जो एक्सरसाइज हमने बाकी रखी है अभी, सो ये है एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे, ये है पेज 198 पे। सो पेज 198 पे, पेज 198 पे क्वेश्चन 4, ठीक है। सो इवेल्युएट है फर्स्ट, ठीक है। सो क्या है, 8 raised to -1 मल्टीप्लाई 5 raised to 3 अपॉन 2 raised to -4। सो इसको आपको इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे इवेल्युएट? सो 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब। सो 2 का क्यूब raised to -1 मल्टीप्लाई 5 raised to 3 अपॉन 2 raised to -4। इसको इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा एक तरीका है। आप चाहो तो किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपको ऐसे नहीं करना है, इसको 2 क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। सो आप नहीं लिख के आप डायरेक्ट 8 raised to -1 इसको प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, सो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। मैं जैसे आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो 8 raised, बहुत तरीके हैं ये सम्स करने के लिए। देखो 8 raised to -1 है, सो 1/8 मल्टीप्लाई 5 क्यूब। 2 raised to -4 है, पावर प्लस करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 raised to 4, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सो देखो 5 का क्यूब मतलब 5 5 जा 25 5 जा 125। सो मल्टीप्लाई 2 का 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 अपॉन 8, ठीक है। सो 8 1 जा 8 2 जा, सो 125 2 जा 250, ठीक है। सो 250 इज द आंसर। सिंपली ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने जैसे ये वाला मैं ऐसे करा रही थी, आप ऐसा भी कर सकते हो। इसमें आपको पावर माइनस करना था और फिर सॉल्व करना था, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी। सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं सेकेंड। सो सेकेंड दिया हुआ है इवेल्युएट में। इवेल्युएट वर्ड का मतलब ये होता है वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। सेकेंड नंबर 5 raised to -1 मल्टीप्लाई 2 raised to -1 मल्टीप्लाई 6 raised to -1, ठीक है। सो क्या करेंगे, 5 raised to -1 है, सो पावर को क्या कर देगा, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल। सो 5 raised to 1, 2 raised to 1, 1/6 raised to 1। सो 5 raised to 1 5 होगा, 2 raised to 1 2 होगा, 6 raised to 1 6, 5 2 जा 10, 6 जा 60। सो 1/60 इज द आंसर, ठीक है। वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। इसी तरह से वैल्यू फाइंड करनी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 raised to m डिवाइड 5 raised to -3 इज इक्वल टू 5 raised to 5। ऐसा ही सम हम अभी अभी एग्जाम्पल में कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट सम है, 1 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट सम है। सो 5th नंबर, फिफ्थ नंबर देखते हैं। सो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको क्या दिया हुआ है, 5 raised to m डिवाइड 5 raised to -3 इज इक्वल टू 5 raised to 5, ठीक है। सो डिवाइड की जगह आप क्या कर दोगे, माइनस की साइन लगाओगे। सो देयरफॉर 5 raised to m माइनस, डिवाइड का मतलब क्या होता है, पावर माइनस होते हैं। सो -3 इज इक्वल टू 5 raised to 5। सो देयर फोर 5m माइनस माइनस प्लस, सो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो देखो बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम। सो बेस हो जाएगा कैंसिल, बेस सेम है, बेस हो जाएगा कैंसिल, 5 कैंसिल 5 कैंसिल। सो क्या रहेगा, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो m प्लस 3 इज इक्वल टू
सो देयर फोर एम इज इक्वल टू 3 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 5 माइनस 3, सो एम इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन 5। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 भी है इवेल्युएट। सो ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन 6। देखो इवेल्युएट 1 अपॉन 3 रेस टू माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 रेस टू माइनस 1 माइनस 1 और ये वाला। ठीक है, सो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट करते हैं। इवेल्युएट फर्स्ट 1 अपॉन 3 रेस टू माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4 रेस टू माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सो इज इक्वल टू, सो देखो 1 अपॉन 3 का माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, पावर नेगेटिव है, इसको क्या कर देंगे पॉजिटिव। सो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। सो 3 अपॉन 1 रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन 4 रेस टू माइनस 1 है, सो 4 अपॉन 1 रेस टू 1, सो माइनस 1। 3 अपॉन 1 क्या होगा 3, 4 अपॉन 1 4, 3 रेस टू 1 3 होगा, 4 रेस टू 1 4 होगा माइनस 1, सो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 और साइन माइनस की, सो माइनस 1 रेस टू माइनस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पावर नेगेटिव है ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल। सो 1 अपॉन माइनस 1 रेस टू 1, कोई मतलब, देखो कोई मतलब तो हुआ ही नहीं, 1 अपॉन माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 ही होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो देखो अगर नंबर नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव है सो आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझने जैसी हैं, नहीं समझ पड़ती हैं तो सिंपली आपके स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप्स क्या बोलते हैं कि भाई पावर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाओ, फिर माइनस वन रेस टू वन क्या होगा, माइनस वन ही होगा, सो वन अपॉन माइनस वन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 6 का फर्स्ट। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 6 का सेकेंड, सेकेंड नंबर भी है, सो सेकेंड नंबर देखते हैं। सो क्वेश्चन 6 का सेकेंड, फाइव अपॉन 8 रेस टू माइनस 7 8 अपॉन 5 रेस टू माइनस 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 अपॉन 8 रेस टू माइनस 7 8 अपॉन 5 रेस टू माइनस 4। सो देखो पहले तो इनका सेम बनाओ, देखो ये 8 अपॉन 5 है, ये 5 अपॉन 8 है, तो इसको क्या कर दो सेम कर दो, इसको भी 8 अपॉन 5 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दिया, सो पावर नेगेटिव था क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा देंगे प्लस, सो 8 अपॉन 5 7 प्लस माइनस 4। ठीक है, सो 8 अपॉन 5 7 प्लस माइनस माइनस 4, सो 8 अपॉन 5 7 में से 4 गए 3। ठीक है, सो अच्छा हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व भी कर ही लेते हैं। क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा। देखो ये चीज़ें समझने जैसी हैं, आप देखो यहाँ मैंने रेसिप्रोकल किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ पे भी तो पावर नेगेटिव थी, क्यों, तो मुझे बेस सेम था ना, तो देखो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, बेस सेम है 8 अपॉन 5 8 अपॉन बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगे प्लस होंगे। ठीक है, सो 8 अपॉन 5 रेस टू 3, तो पावर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, सो 8 रेस टू 3 अपॉन 5 रेस टू 3, सो 8 का क्यूब 8 8 जा 64 64 8 जा 512 होता है, 5 का क्यूब 5 5 जा 25 25 5 जा 125। सो ये था आपका क्वेश्चन 6 का सेकेंड नंबर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 का फर्स्ट। सो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट भी सिंप्लीफाई है, सो क्वेश्चन 7 करते हैं अब।
क्वेश्चन सेवन सिंप्लीफाई. सो फर्स्ट नंबर 25 × t⁻⁴ अपॉन 5 × 3 × 10 × t⁻⁸. कैसे करेंगे इसको? सो यहाँ देखो आपके पास क्या क्या है. आपके पास है 25, 5 × 3, 10. ये सारे नंबर हैं और ये है आपका वेरिएबल. ठीक है, सो देखो नंबर नंबर से कटता है और वेरिएबल का वेरिएबल से होता है. सो हम क्या करेंगे, देखो और ये 25 है. अच्छा, ये पावर नेगेटिव है तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव. सो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लेके आएंगे. ठीक है, सो 5 × 3 हो गया. ठीक है, और ये अपॉन में 10 है ही. चलो इसका भी कर देते हैं, ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे. और इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे से ऊपर, रेसिप्रोकल. ठीक है, पावर पॉजिटिव करने के लिए करते हैं ना. अभी देखो पहले स्टेप में सिर्फ यही काम किया मैंने. क्या किया, सारी पावर जो भी नेगेटिव थी सबको क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया. सो ये देखो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव किया रेसिप्रोकल करके. ये नेगेटिव थी, इसको ऊपर ले आए, इसको ऊपर ले आए. अच्छा अब क्या करने का, आप सॉल्व करते हैं कैसे. सो देखो 25 है, देखो 5 का क्यूब क्या होता है. सो 25 × 5 का क्यूब नहीं आता तो सिंपली 5 5 5 तीन बार लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अपॉन 10 मल्टीप्लाई. अब यहाँ देखो ये डिवाइड है t⁸ अपॉन t⁴. तो देखो बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या होगा, माइनस. तो t⁸ - 4. ठीक है, सो अब हम कट शॉर्ट करेंगे. सो कैसे काटेंगे, खैर नहीं कट रहा है ना. देखो 5 1 जा 5 2 जा. सो क्या रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 5 जा 25. सो 25 × 25 / 2 × t⁸. सो 8 - 4 क्या होगा, 4. 25 × 25 = 625 होता है. सो 625 / 2 t⁴. सो ये था हमारा फर्स्ट नंबर. अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर. सो सेकेंड नंबर ट्राई करते हैं. सेकेंड नंबर सेकेंड है आपका 3 × −5 × 10 − −5 × 125 / 5 × −7 × 6 − 5. ठीक है, सो क्या करेंगे अब, इसको भी सिंप्लीफाई करना है. तो देखो पहले कुछ समझना है तो पहले तो पावर पावर वाला स्टेप कर डालो, नेगेटिव है पॉजिटिव करते जाओ. ठीक है, बेस्ट वो स्टेप तो कर ही देने का. सो देखो यहाँ 3 × −5 है, सो 1 / 3 = 5 हो गया. सो 10 × −5 है, 10 × 5 हो गया. ये 5 × −7 है, ऊपर ले जाओ 5 × 7. 6 × −5 है, ऊपर ले जाओ 6 × 5 × 125. अभी आपने क्या किया, देखो इन दोनों को ऊपर ले गए, ये देखो 5 × 7 6 × 5. इन दोनों को नीचे लाए 3 × 5 10 × 5. ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे कैसे. सो देखो यहाँ पे 5 × 7 है, 6 × 5 है, 3 × 5 10 × 5. अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, खैर ये देखो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कट शॉर्ट. खैर अगर देखो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है तो सिंपली 5 × 7 मतलब 5 को 7 बार ही लिख दो, 6 × 5 6 को 5 बार ही लिखो, 3 × 5 3 को 5 बार ही, 10 को 5 बार ही. फिर जो कट शॉर्ट होता है करो और लास्ट में मल्टीप्लाई कर डालो. एक तो ये तरीका है, चलो वही कर लेते हैं. और ना अगर वो तरीका आपको लेंदी लगता है तो सिंपली पावर वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं फ़िलहाल आपको वो इजी वाला तरीका दिखाती हूँ. पावर वाला तरीका भी बहुत इजी है. खैर सो देखो 5 × 7 है तो 5 7 बारी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. 6 × 5 6 6 6 6 6 125 अपॉन 3 3 3 3. ठीक है, 1 2 3 4 5 10 × 5 10 10 10 10. ठीक है, अच्छा क्या करोगे, कट शॉर्ट करो अब. तो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 1 जा कितने, 1 2 3 4 5 हैं. 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा
सो 3 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सेम यहाँ पे 2 1 जा 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 2 5 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 जा 2 1 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 जा 2 5 जा 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 बारी है। अच्छा अब ये देखो 5 5 कैंसिल करते हैं, सो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 5 5 5 से कैंसिल होंगे, सो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रहा क्या, 5 5 जा 25 ही रहा, सो 25 मल्टीप्लाई 125, ये बहुत ही वो बच्चों वाला मेथड हो गया, पर ये भी सही है। दूसरा मेथड ये है, इसको पावर में कन्वर्ट कर दो, 10 है ना, तो 2 5 जा, सो पावर 2 को भी दो 5 को भी दो, फिर बस पावर पावर वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के सॉल्व करो। दूसरा ये बच्चों वाला मेथड, बच्चों वाला मतलब इन द सेंस भाई आपने सब ओपन ही कर दिया, सो 125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर क्या आएगा 3 1 2 5। सो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 12.1 पूरा। अब हम आपको थोड़ा सा आरडी में सम्स देते हैं, होमवर्क में आरडी शर्मा में। सो आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 2.1 करनी है, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, सो 2 3 4 5 क्वेश्चन करना है। इसमें 4 सम्स हैं, इसमें 4 8 चार और चार और, सो 1 2 3 4 4 4 जा 16, 16 सम्स हुए, क्वेश्चन 2 3 4 5, इनके आंसर्स ये रहे, ये इसके आंसर्स हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ठीक है। सो ये हुए आपके सारे क्वेश्चंस। सो जस्ट डू द एंटायर होमवर्क, ये होमवर्क है आपका आर डी शर्मा में 16 सम्स का, डू द एंटायर होमवर्क, डू द क्लास वर्क प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।